भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बता दें कि ये 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। वार्सा पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से उत्साह के साथ मुलाकात की। बच्चों ने गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी और टस्क के बीच डेलीगेशन लेवल की बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने वार्सा में संबोधन में कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पोलैंड आने का सौभाग्य मिला है। मोदी ने कहा कि आपने 2022 में यूक्रेन संकट में फंसे छात्रों को निकालने में मदद की। हम अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टूस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते।